x की वैल्यू 0 से छोटी है, x is equals to 0 पर 0 है और x greater than 0 पर mod of x minus 1 है. अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a does limit x tending towards a fx exist. तो a की किस वैल्यूज के लिए लिमिट x tending towards a fx exist करेगा. ध्यान दें यहां पर a के बारे में कुछ नहीं अज्यूम किया गया कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो a के तीन केसेस हो सकते हैं, a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है, a की यहां पर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और a की वैल्यू 0 हो सकती है. ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि a जो है वो क्या है, पॉजिटिव. a अगर पॉजिटिव है तो a की जो वैल्यू है वो कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा. पॉजिटिव नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक जनरल तरीके से इसको सॉल्व करके देख रहे हैं. तो हमने मान लिया कि लेट a इज इक्वल्स टू 2 है, a इज इक्वल्स टू 2 है, हम एक ही जगह 3 4 5 कुछ भी रख सकते थे, बस वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. तो जो लिमिटिंग वैल्यू यहां से आएगी वही बाकी सब पॉजिटिव नंबर पे भी आएगी. तो हमें तो ये चेक करना है कि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहां कि नहीं करेगी, कहां पर, जब a पॉजिटिव होगा. तो अगर a पॉजिटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट कर जाएगी फिर सभी पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि नंबर तो हम कोई चूज कर नहीं रहे, नंबर हमने एट रैंडम लिया हुआ है. ठीक है, अब देखो यहां पर लेट a बी इज इक्वल्स टू 2, तो हमने यहां पर 2 ले लिया, a की वैल्यू 2. अब हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं r h l, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x पर a बराबर ही तो x है, यहां पर x और ये a है, क्योंकि वैल्यू जो है वो a की ली गई है. ठीक है ना, तो अब यहां पर x इज इक्वल्स टू क्या होगा नेबरहुड में, 2 प्लस h, यहां पर आएगा x. तो यहां क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टूवर्ड्स टू पॉजिटिव fx. फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जहां वैल्यू 2 है, 2 की तरफ टेंड कर रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, mod x minus 1 का. ठीक, अच्छा एक बात और देखते हैं, x is 2 plus h, लिमिट हम किस में लेकर आएंगे, h में. तो जैसे x की वैल्यू टेंडिंग टूवर्ड्स 2 होगी, x tends towards 2, h की वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टूवर्ड्स 0. तो यहां लिखेंगे लिमिट h tends towards 0, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 plus h. और इसको किस फंक्शन में रखेंगे, यहां पर, क्योंकि यहां पर ही तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो 2 तो 0 से बड़ा है. तो क्या लिखेंगे, लिमिट h tending towards 0, 2 plus h mod minus 1. अब अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करनी है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, लिमिट यहां रखेंगे h tending towards 0, तो हमें क्या मिलेगा, 2 का mod minus 1, ये 2 minus 1 हमें क्या दे देगा, 1. तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1, जब a क्या लिया गया है, एक पॉजिटिव नंबर. और हमें तो ये देखना है कि पॉजिटिव नंबर लेने पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं. तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एल चल क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस fx, और यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा 2 माइनस h. अब जब x जो होगा 2 माइनस h, x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा. ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 2 माइनस h. 2 माइनस h क्या है, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि h तो वेरी वेरी स्मॉल एक्सप्रेशन है. तो फंक्शन फिर से ये चूज किया जाएगा, कहां लिखेंगे, 2 माइनस h का मॉड माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0. इसकी वैल्यू को हम लोग इधर लिख लेते हैं, कितना आएगा, 2 माइनस 1 1. ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, 2 माइनस h माइनस 1, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें यहां पर,
तो जब लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है यहां पर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मॉड ऑफ 2 माइनस 1. अच्छा मॉड ऑफ 2 पॉजिटिव है और मॉड के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही एक्सप्रेशन आएगा मॉड 4 4 लिखा जाएगा मॉड 5 5 लिखा जाएगा पॉजिटिव है तो यहां पर जब ये पॉजिटिव है तो 2 माइनस 1 1 तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट ये है राइट हैंड लिमिट ये है दोनों क्या हो गई सेम तो जब a पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही वो यही जानना चाहता है कि does limit x tending towards a fx exist? तो when a is positive, a की value 0 से ज्यादा होगी, तो limit exist करेगी। अब यहाँ पर अगर आपने 2 की जगह कोई और point लिया होता, जैसे 4 लिया होता, ठीक है? 4 भी positive number है, तो यहाँ पर 4 plus h आता, यहाँ पर 4 plus h minus 1, 4 plus h यानी 4 minus 1 3 आता यहां पर 4 minus h ठीक है तो 4 minus 1 तो 3 और 3 आ जाता तो अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेंगे यहां पर उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल आएगी और एक बोलेंगे क्या कि अगर a पॉजिटिव है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहां पर हमें तीन केसेस लेने पड़ेंगे तो यहां पर हम पॉइंट्स लेके चल रहे हैं कि और ज्यादा एक्यूरेट समझ में आ जाए लेकिन पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं 2 3 4 पॉजिटिव नंबर आप चूज करेंगे सब में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल आएगी ठीक अब सेकंड केस ले रहे हैं सेकंड केस क्या होगा कि भाई लिमिट जो है वो a की वैल्यू अब नेगेटिव है a जो है इज नेगेटिव सेकंड a अगर नेगेटिव है तो a को मान लेते हैं इस बार -3 चलो -3 मान लेते हैं नेगेटिव है हमने -2 ले लिया हमने -3 ले लिया ट्रेंड है क्योंकि वो नेगेटिव है तो अब यहां पर देखो ये पॉइंट है -3 और यही a है तो यहां होगा -3 plus h राइट हैंड से अप्रोच करने पर लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने पर -3 minus h x तो पहले क्या निकालते हैं r h l राइट हैंड लिमिट क्या लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 और सॉरी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -3 प्लस fx अब -3 का मतलब क्या है कि आप इधर से अप्रोच कर रहे हैं rhl तो -3 प्लस h पर h क्या है वेरी वेरी स्मॉल तो वैल्यू क्या रहेगी ये तो नेगेटिव ही रहेगी x की वैल्यू तो जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन क्या लिया जाएगा mod of x प्लस 1 तो अब यहां पर क्या लिखेंगे एक लिमिटिंग वैल्यू और देख लो कि जैसे x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 तो h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या होगा 0 तो लिमिट ही बदल लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f x की जगह पर अब क्या होगा -3 प्लस h और ये नेगेटिव नंबर होगा तो रखेंगे कहां पर यहां पर तो ये आएगा लिमिट h tending towards 0 -3 plus h mod plus 1 अब जैसे ही h tending towards 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा -3 का mod plus 1 -3 का mod हमें क्या देगा 3 plus 1 is 4 तो आंसर क्या आ गया इसका 4 अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तब क्या लिखेंगे लिमिट x tending towards -3 minus fx ये है तो -3 इधर से अप्रोच कर रहे हैं ना इधर से -3 इधर से अप्रोच करेंगे तो अब देखो यहां पर वैल्यू क्या है -3 minus h तो x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 जैसे-जैसे x -3 की तरफ जाएगा h क्या हो जाएगा 0 देखो ये एक्सप्रेशन क्या है -3 minus h is x जैसे ये -3 होगा -3 कैंसिल हो रहा है h हो जाएगा वहां पर 0 लेकिन हम कैंसिल नहीं कर रहे हम ये अप्रोच देख रहे हैं कि यहां अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3 h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -3 -h ये तो नेगेटिव है
और जब a की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस वन, तो क्या लिखेंगे, माइनस थ्री माइनस h मॉड में प्लस वन लिमिट h टेनिंग टू वर्ड जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो रखेंगे प्लस थ्री प्लस वन विच गिव्स फोर। तो हमने ये देखा कि जो a की वैल्यू नेगेटिव है तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो व्हेन a इज नेगेटिव लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब हमें थर्ड केस लेके दिखाना पड़ेगा कि एट x इज इक्वल्स टू, सॉरी a इज इक्वल्स टू जीरो पे क्या हो रहा है।